हेलो जी, गुड मॉर्निंग इंटरनेट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एक नंबर जबरदस्त होंगे। तो मेरा नाम है हरिदर्शन थापा और मेरे गांव का नाम है दुनागिरी, जो इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। और मैं अभी खड़ा हूं अपनी बाइक पे, आया हूं अभी रोड पे छोड़ने के लिए। मूली उतारनी थी यहां से द्वाराट को, तो वो मेरा गांव सामने दिखाई दे रहा है। और यहां से जो ये येलो इस कलर में दिखाई दे रहा है ना, इस पेड़ों के बीच से ये है मेरा घर यहां पर से। अगर मैं इधर को आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पर आप लोगों को ये वाली जो पर्वत पहाड़ी दिख रही है बर्फीली, वो है त्रिशूल पर्वत। इधर पर आपको जो दिखाई दे रहा है चौकम्बा पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये त्रिशूल पर्वत आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा होगा सामने पे। तो ये त्रिशूल पर्वत दिखाई दे रहा है यहाँ से। बहुत बढ़िया सा मौसम अभी हो रहा है, तो कुछ ऐसा मूड माहौल बना हुआ है। तो मैं सुबह सुबह आ गया था अभी गाड़ी पे, बाइक पे, एक मूली का कट्टा बाद के 20 kg का कच्ची रोड पे लेते हुए यहाँ पे। तो आज के दिन की शुरुआत तो कुछ इस तरह से हो रही है, देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। तो मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में कुछ बेहतरीन शॉट्स के साथ में। मूली पहुँचा के मैं आ गया था घर पे वापस से, और अभी बैठ चुका हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में मेरे पास है आज समोसे, क्योंकि कल थी दीदी और जीजा जी की एनिवर्सरी, तो दीदी जीजा जी यहाँ पे समोसे मंगवाए हुए थे। और साथ में मेरे पास है बन, और साथ में थोड़ा सा केक जो रात को बचा हुआ था, साथ में पहाड़ों की सबसे फेवरेट ड्रिंक चाय। तो ऐसा मूड बॉल बना हुआ है, तो बढ़िया तरीके से समोसे का आनंद लेते हैं। समोसा हो कैसा रहा मैं बताता हूँ आप लोगों को। मज़ेदार, मतलब समोसे खाने का ना अलग ही मज़ा आता है, वैसे कुछ भी बोलो ना। चलो चलिए इंजॉय करता हूँ। तो मैं हो गया अभी रेडी बाजार को जाने के लिए, और मुझे जाना है अभी दीदी को छोड़ने दौराट तक। और यहाँ पर देखो गाड़ी की हो रही है धुलाई बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब है प्रमोद भाई की शादी। प्रमोद हमारे गांव का एक भाई है जो मेरा मित्र है, उसकी शादी की तैयारी के लिए गाड़ी चमक रही है एकदम, ये दूल्हे राजा की गाड़ी बनेगी। तो यहाँ पे एकदम ऐसा बनाया जा रहा है, इसको त्यूड़ लगने वाला। त्यूड़ मतलब क्या होता है, जिसमें से मतलब रिफ्लेक्शन आके आंखों में एकदम चुपता है, वो होता है त्यूड़ लगना। तो त्यूड़ लगने वाला इसको चमकाया जा रहा है ऐसे। फुल मेहनत हो रही है प्रमोद भाई की शादी के लिए। हाँ जी, तो जी अभी मैं खड़ा हूँ अपनी गाँव की इस कच्ची रोड पे, यह है वो कच्ची रोड, और अपनी बाइक पर भी बैठा हुआ हूँ। और सामने का कच्ची रोड आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही बेकार सा इसके हालात हुए हैं। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत ही कुछ दिन पहले JCB लगा के सही की हुई है। तो यार मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहाड़ों में जो रोडों की हालात है ना, आज की डेट में भी अच्छा नहीं है। अभी मैं एक रील सुन रहा था जिसमें कि ऐसा लिखा था कि सड़क तुम आई हो अब गांव जब कोई रहा नहीं, इस तरह से कोई वो था कि सड़क जब तब गांव पहुंची जब गांव में ही कोई नहीं रहा है। तो ऐसी हालात है आज की डेट में भी गांवों की सड़कों के, जहां कर कि अभी तक ये पक्की हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने कई बार इसमें पर्चे लेटर भी डाल दिए हैं, पर्चे डाल दिए कि यार सही कर दीजिए। क्योंकि एज ए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हम जैसे आश्रित हैं, उसके बावजूद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, आश्रितों को आज भी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। अब हमें यहाँ पर ज़मीन तो मिल गया, ऊपर के दिन हमें आप लोग देख रहे होंगे, तो ऐसी कुछ जंगल में पहले ज़मीन मिला होगा तो दादाजी लोगों ने बसाया बहुत बढ़िया तरीके से, पर आज की डेट में भी यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है। तो कुछ ऐसा भी मूड माहौल बना हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, हम तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, पर कर ही रहे हैं लगातार। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ दौराट को दीदी को छोड़ने के लिए, और अभी ना हल्का हल्का सा ठंडा भी लग रहा है, और धूप हल्की हल्की सी गर्म सी लग रही है, तो फुलमुनी धूप कहते हैं। और मतलब जहाँ पर धूप नहीं आती ना, उसको क्या बोलते हैं, सैल जगह बोलते हैं, जहाँ पर धूप आती है उसको, तो शायद तहल जगह किटिंग नगरी दौराट में पुनः आगमन प्रधानने पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये बोर्ड अभी बदल दिया गया है, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी दीदी बैठ चुकी है यहाँ पे गाड़ी में आराम से, और हम पी रहे हैं अभी दोनों के दोनों यहाँ पे फ्रूटी पी रहे हैं, और ये बैठ चुके हैं गाड़ी में, क्योंकि इनको होती है गाड़ी में उल्टी, तो इसलिए दवाई पीने के लिए, दवाई खाने के लिए फ्रूटी के साथ दवाई खा रही थी। तो ये गाड़ी जाएगी अभी अल्मोड़ा तक के लिए, यहाँ से निकलेगी 1:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे, 1:30 बजे यहाँ से निकलेगी, और ये पहुँचेगी अल्मोड़ा में 4:30 बजे। तो चलिए दीदी तो यहाँ से जा रही है, मेरा काम है अभी बाइक में लगी लगा के आया हूँ, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा ट्रिम करवाता हूँ। नो सेव नवंबर चल रहा था, पर नवंबर अभी जाने वाला है तो सेव कर लेते हैं। तो फ्रूटी पीते टाइम मैंने एक बात नोटिस की ना, ये जो पहले स्ट्रॉ आता था ये प्लास्टिक का आता था, पर अभी ये स्ट्रॉ आ रहा है किसका, कागज़ का आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नेचर के लिए बहुत अच्छा है, पर आज की डेट में भी वो चीज़ें जो पैकेट में आ रही हैं वो तो बंद हुई नहीं है, और पता नहीं कब होंगी। तो अल्मोड़ा की गाड़ी यहाँ पे जाने लग गई है, और दीदी की यहाँ से जाने की तैयारी हो चुकी है। तो गाड़ी वाला गाड़ी स्टार्ट करके अभी थोड़ा देर आगे बढ़ा रहा है, फिर आप पीछे ले रहा है, फिर आगे बढ़ा रहा है, फिर पीछे ले रहा है। तो अब आखिरकार ये गाड़ी जा चुकी है, बाय बाय। तो दीदी जा चुकी है यहाँ से अल्मोड़ा के लिए, और हम लोग चले जाएंगे अपने काम करने के लिए। मुझे जाना है अभी बार्बर के पास में, चलो चलते हैं बार्बर के पास पे, और थोड़ा सा दाढ़ी वाली ट्रिम करवाते हैं अपनी बढ़िया तरीके से। और ये है दौराट मार्केट पूरी,
और भाई क्या हाल है? तो अभी यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम इंसान जैसा लग रहा हूँ, दाढ़ी वाड़ी कटवा के स्मार्ट भी लग ही रहा हूँ यार मैं। तो अभी मार्केट में उधर मार्केट में कुछ कार्यों को और संपन्न करते हैं, उसके बाद जाएंगे घर को।